हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर एक बार फिर आप सभी के सामने। गाइस आज फिर कुछ नए वर्ड्स के साथ मैं टीवीडी के एक नए सेशन के साथ आया हूं आप सभी के लिए, जिसमें कि सीजीएल 2017 और 16 के बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब क्या समझ में आ रहा है? परफंक्ट्री मींस होता है कोई भी चीज जो लापरवाही से की गई है, बेकार तरीके से की गई, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? परफंक्ट्री। याद करने के लिए रटना नहीं है। फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्ट से वर्ड बनता है फंक्शन, और फंक्शन होता है किसी काम को सुचारू रूप से करना। और परफंक्ट्री मींस होता है अगर उसको आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, लापरवाही से करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? परफंक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट। अडेप्ट मींस होता है अगर आप किसी काम में निपुण हैं, कुशल हैं, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्ट। क्या कहा जाता है? अडेप्ट। कोई काम में परफेक्शन के साथ आप काम करते हैं, उसी परफेक्शन को हम इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अडेप्ट। अडेप्ट मींस होता है किसी चीज को ग्रहण करना। सेकंड वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्ट, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये अडेप्ट होता है कोई भी चीज जैसी है वैसी की वैसी ग्रहण कर लेना। जैसा मैंने बोला आपने उसको वैसा का वैसा याद कर लिया, वो हो गया अडेप्ट। लेकिन अडेप्ट मींस क्या होता है? उस चीज में थोड़े बहुत फेरबदल करना, अपने लिए अनुकूल बनाना, और उसके बाद याद करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्ट। क्या बोला जाता है? अडेप्ट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अडेप्ट और अडेप्ट। अडेप्ट मींस वैसे के वैसे स्वीकार कर लेना, और अडेप्ट मींस कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करके फिर उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना, दैट्स कॉल्ड अडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज वर्सिमिलिट्यूड। वर्सिमिलिट्यूड मतलब क्या होता है? वर्सिमिलिट्यूड मींस होता है सच्चाई, निष्पक्षता। किसी भी चीज को लेकर आप बहुत सच्चाई निष्पक्षता रखते हैं, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्सिमिलिट्यूड के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्सिमिलिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत, कहते हैं ना, सनक। ल्यूनेसी होती है पागलपन, उन्माद, मतलब किसी काम को करने की ऐसी लगन कि दुनिया लाख बना करे आपको करना है, उस पागलपंती का जो जुनून होता है उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूनेसी। और ल्यूनेसी से वर्ड बनता है ल्यूनेटिक। इसी वजह से उन लोगों को क्या कहा जाता है? पागल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल। ध्यान रखें तो ल्यूनेटिक का मतलब क्या हो गया? जो थोड़ा सा मानसिक रूप से बिल्कुल अपने काम के लिए ऑब्सेस्ड है और उस काम को करके ही रहेंगे, तो उस तरीके से जब वो पागल कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूनेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस। जेनरस मींस होता है बहुत ज्यादा दयालु। दयालु जितने भी लोग होंगे उन्हीं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनरस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंजेक्चर। कंजेक्चर मींस क्या होता है? कंजेक्चर मींस होता है अनुमान लगाना। किसी चीज का अगर आप तुक्का लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? कंजेक्चर कहलाएगा। कई बार आया है वर्ड, इसको बड़ा ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट इज अनस्क्रपुलस। अनस्क्रपुलस मतलब होता है लापरवाही से, बेपरवाही से किया हुआ कोई भी काम होगा, हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनस्क्रपुलस। किसी भी चीज में ढील डाल दे देना, लापरवाही कर देना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? अनस्क्रपुलस। गलत तरीके से कोई चीज की गई हो। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मींस होता है शांत एवं गंभीर। ट्रैंक्विल एटमोस्फेयर होता है, ऐसा एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा शांत और गंभीर सा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का दूसरा तरीका क्या याद करना है? ट्रैंक्विल से वर्ड बनता है ट्रैंक्विलाइजर। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा दर्द से परेशान है, या जानवरों को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन आपने देखा होगा, उसी को हम इंग्लिश में ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ट्रैंक्विल। गास्प। गास्प का मतलब क्या होता है? गास्प मींस होता है तेजी से हांफना, जोर जोर से हांफने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गास्प। तेजी से सांस लेने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गास्प। एक और चीज को बढ़िया तरीके से याद करने का तरीका मैं बताता हूं। अगर कोई चीज आपने डरावनी सी, बेकार सी, अचानक से देखी, तो जो सांस एकदम से अंदर जाती ना, ऐसे टाइम उसी चीज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गास्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गास्प। नेक्स्ट इज एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है? एजाइल मींस होता है फुर्तीला, दक्ष। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा फुर्तीला, एजाइल एनिमल्स होते हैं, एजिलिटी होती है आप लोगों के अंदर, हम सब के अंदर एजिलिटी, एक काम में 10 काम करने वाली जो क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एजिलिटी। और एजाइल एनिमल्स कौन से हो गए? गिलहरी, स्क्विरल्स वगैरह जितने भी होते हैं, वो हमारे क्या हैं? एजाइल एनिमल्स। नेक्स्ट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल मींस हो गया सांसारिक, जो वर्ल्डली प्लेजर से संबंध रखते हैं, दुनियादारी की बाकी चीजों से संबंध रखते हैं, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल प्लेजर कह सकते हैं। टेम्पोरल प्लेजर मतलब दुनियादारी के कुछ सुख सौंदर्य, ऐशो आराम जिसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल। नेक्स्ट इज अ होस्ट ऑफ। अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। कोई भी चीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपके सामने है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? अ होस्ट ऑफ कहलाएगी। नेक्स्ट इज फिल्दी। फिल्दी सुना है आप लोगों ने? फिल्दी का मतलब होता है बहुत बेकार सा।
कम क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का, दैट इज कॉल्ड क्या लगाया, फिल्दी कहलाएगा। फिल्दी वर्ड बनता है फिल्थ से, फिल्थ का मतलब होता है गंदा संदा, जो धूल मिट्टी जिसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फिल्थ, और फिल्थ से बनता है फिल्दी। फिल्दी मतलब गंदा संदा एटमोस्फेयर, ऐसा पर्सन जो जिसका दिमाग हमेशा उल्टी सीधी चीजों में चलता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिल्दी पर्सन। तो बेकार क्वालिटी की कोई भी चीज हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, हर किसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिल्दी बोलेंगे। नेक्स्ट इज कन्फर्म। कन्फर्म कन्फर्म दोनों को सेम पढ़ा जाता है, लेकिन पहला वाला जो कन्फर्म है वो आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। लेकिन दूसरा वाला जो कन्फर्म है, इस कन्फर्म का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज को फॉलो करना, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्फर्म। यू विल हैव टू कन्फर्म ऑल माय ऑर्डर्स, मैंने आपको जो ऑर्डर्स दिए हैं वो आपको क्या करने होंगे, पालन करने होंगे, वो सब चीजें क्या होंगी, कन्फर्म कहलाएंगी। और अब आप उस चीज को सुनिश्चित करते हैं, जी सर, तो वो सुनिश्चित करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्फर्म। नेक्स्ट इज रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन मींस क्या होता है, रिकैपिटुलेशन पुरानी चीजों को दोबारा से याद करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकैपिटुलेशन। क्या बोला जाता है, रिकैपिटुलेशन, पुरानी चीजें दोबारा से याद करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकैपिटुलेशन। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक प्राइस। रियलिस्टिक प्राइस मतलब क्या हो गया, किसी चीज की वास्तविक कीमत जिसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, रियलिस्टिक प्राइस कहा जाता है। और लास्ट इज क्लैमी। क्लैमी मींस होता है, क्लैमी मींस लास्ट है, इसका मतलब होता है चिपचिपा, कोई चीज बहुत ज्यादा गमी गमी, यानी इन द सेंस कहते हैं चिपचिपा सा है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, क्लैमी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, और ऐसी वीडियोज आपको बैक टू बैक, लाइन टू लाइन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस चीज को शेयर करें।